वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक्सलेंट करियर पॉइंट वाल की आज की क्लास में हम देखेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का सिर रुकनियों। स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x = 0, x = -1, x = 2। यानी कि स्टूडेंट्स मंदरजा ज़ैल के लिए कसीर रुकनी की कदर मालूम कीजिए। यानी कि जहां पर जो x वेरिएबल है अपने पास, x के जगह एक मरतबा 0 रख के सॉल्व करेंगे, एक बार -1 रख के करेंगे और एक बार 2 रख के करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए सॉल्यूशन में नंबर 1 कर रहे हैं हम, फर्स्ट का सॉल्यूशन पहले का हल करेंगे x = 0। देखिए कैसे रुकने के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब चलिए x के जगह हम 0 रख के देखेंगे। पहले तो इक्वेशन को p ऑफ x से डिनोट कर लीजिए, p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अभी हमें x के जगह 0 रखना है। p ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस 3। अभी देखिए यहां से क्या हो जाएगा, p ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस 4 इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा प्लस 3। तो स्टूडेंट्स p ऑफ 0 का वैल्यू आ रहा है आपके पास 3। यानी कि x के जगह आप 0 रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3। अब सेकेंड देखिए स्टूडेंट्स क्या कहता है सेकेंड, x के जगह आपको रखना है -1, x इज इक्वल टू -1। देखिए p ऑफ -1 इज इक्वल टू 5 इंटू -1 -4, इसके बाद देखिए -1 का स्क्वायर प्लस 3। अभी देखिए क्या हो जाएगा, 5 इंटू -1 -5 होता है स्टूडेंट, ठीक है। अभी देखिए ये -4 ऐसे रख लेता हूं मैं, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 स्टूडेंट +3, ठीक है। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है आपको पता है, ये -5 ये -4 +3 हो जाएगा स्टूडेंट। अभी देखिए क्या करना है, रोल ऑफ डीमा इस्तेमाल करेंगे, ये तो आ गया 3 स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए -5 -4 कितने होते हैं, माइनस माइनस प्लस होते हैं, लेकिन वैल्यू माइनस का आता है, ये 9 हो जाएगा स्टूडेंट। तो 3 -9 होते हैं -6, तो p ऑफ -1 का वैल्यू आ गया स्टूडेंट -6। अब देखिए थर्ड वन सॉल्व करेंगे हम, x इज इक्वल टू 2 रखना है स्टूडेंट्स। चलिए देखेंगे p ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 -4 2 का स्क्वायर प्लस 3। अभी देखें यहां से क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 -4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 3। अभी देखिए ये 10 -4 4 16 प्लस 3। देखिए स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा, पहले ऐड करना है, 10 प्लस 3 होता है 13 -16, यानी के 13 -16 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए p ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलिए उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।